सीमांचल का केंद्र बिंदु माने जाने वाले पूर्णिया शहर को एलईडी लाइट से चमकाने की योजना पर काम किया जा रहा है। बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि पूर्णिया शहर में 15,000 एलईडी बल्ब लगाने का काम शुरू हो गया है। शर्मा ने कहा कि जल्द ही पूरा शहर एलईडी बल्ब की रोशनी से जगमगाता नजर आएगा। उन्होंने कहा कि एलईडी बल्ब का मेन स्विच नगर निगम में रहेगा। शर्मा ने कहा कि इसके लिए ऑटोमेटिक ऑन ऑफ सिस्टम भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले मेन रोड पर एलईडी लाइट लगाई जाएगी, फिर शहर के अंदर की गलियों में लाइट लगाई जाएगी। शर्मा ने कहा कि बाजार समिति में लाइट लगने से लोग बेहद खुश हैं। एलईडी लाइट वाला जो अभी हम लोगों ने यहाँ 15,000 का इन लोगों ने दिया है, शायद 5,000 लाइटें लगी हैं। मेन सड़क पर पहले लगाना है, उसके बाद में लिंक सड़क पर लगाना है, और जो इंटीरियर है जहाँ पर पोल नहीं है, हर फेज में पोल लगा करके भी उस लाइट को हमको पूरे शहर के गलियों में भी लाइट हमको लगना चाहिए। इसके अंदर हम लोग बिजली विभाग से बातचीत हो रही है, क्योंकि लाइटें बहुत जगह जलती रह जाती हैं दिन में, तो उसके लिए एक कोर तार और हम लोग देने का प्रबंध कर रहे हैं। अभी तो लाइट उसके लिए इसलिए नहीं रोका जा रहा है कि लाइट लगा दिया जाए, लेकिन वो सब लाइट जो है एक कोर तार सिंगल तार रहेगा वो एलईडी लाइट की, और एलईडी लाइट का ऑफ ऑन सिस्टम उसमें ऑटोमेटिक टाइमर के साथ लगेगा, जिससे कि वो ऑफ ऑन भी होगा। ये सिस्टम पूरे बिहार के अंदर हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर, उस जगह जहाँ फोर कोर तार लगा हुआ है हाजीपुर वगैरह में, वहाँ ऑफ ऑन सिस्टम लग रहा है। वहीं पूर्णिया शहर में लगने वाले जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए शहर में फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि शहर में 3 फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। शर्मा ने कहा कि जल्द ही 3 फ्लाईओवर के निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। वो प्रस्ताव ये भेजे हैं, हम लोग उसको देखेंगे। फ्लाईओवर का अगर 3 की बात आ रही है, 3 की बात आ रही है, तो उसको हम कराने का प्रयास करेंगे कि वो भी जल्दी से। तीन फेज हमने रोड का और नाले का बताया कि तीन कैटेगरीज में रोड भी है। एक तो गली का रोड है, एक मेन सड़क का रोड है, और एक जो आप कह रहे हैं कि NH2NH कनेक्ट करके टाउन से निकलने वाला रोड है। ये 3 सड़क की कैटेगरीज और 3 नाला का भी हमने किया है। जैसे गली का नाली वो मेन नाला में आएगा, और मेन नाला से फिर आउटफॉल नाला में जाएगा, तो ये इसी का कैटेगरीज। पूर्णिया में शहरी इलाकों में शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है। अगर 15,000 एलईडी लाइट लगाने का दावा सही साबित हुआ तो लोग राहत की सांस लेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।